हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग EIGRP प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले EIGRP स्टैंड फॉर एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। दोस्तों, EIGRP जो प्रोटोकॉल है ये सिस्को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया राउटिंग प्रोटोकॉल है। EIGRP प्रोटोकॉल हाइब्रिड क्लास का एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि अपने नेबर राउटर के साथ अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। EIGRP प्रोटोकॉल विद इन सेम AS नंबर अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। सेकंड थिंग दोस्तों, EIGRP प्रोटोकॉल जो है ये IGRP प्रोटोकॉल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। EIGRP प्रोटोकॉल जो है ये हरेक रूट का एक बैकअप रूट ऑलवेज अवेलेबल रखता है ताकि किसी भी रीजन से अगर एक रूट डाउन हो जाता है तो उस रूट का ऑल्टरनेट रूट हमेशा अवेलेबल रहे फॉर द फॉल्ट टॉलरेंस पर्पस। EIGRP प्रोटोकॉल जो है ये बेस्ट रूट डिसाइड करने के लिए डिले, बैंडविड्थ, लोड एंड रिलायबिलिटी को यूज करता है। EIGRP प्रोटोकॉल जो है ये मैक्सिमम 2 to 4 राउटर्स तक रूट प्रोवाइड कर सकता है। EIGRP प्रोटोकॉल ये IP के पोर्ट नंबर 88 पर ऑपरेट होता है। EIGRP प्रोटोकॉल क्लास फुल IP को सपोर्ट करता है के साथ साथ EIGRP प्रोटोकॉल जो है ये CIDR और VLSM को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों ध्यान रखना, EIGRP जो प्रोटोकॉल होता था ये क्लास फुल IP को तो सपोर्ट कर पाता था लेकिन ये CIDR और VLSM को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन EIGRP प्रोटोकॉल ये CIDR और VLSM को भी सपोर्ट करता है। EIGRP जो प्रोटोकॉल है ये अपने अपनी राउटिंग इंफॉर्मेशन को नेबर राउटर के साथ शेयर करने के लिए मल्टीकास्ट परफॉर्म करता है और मल्टीकास्ट करने के लिए EIGRP प्रोटोकॉल 224.0.0.10 ये IP एड्रेस यूज करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि EIGRP प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे EIGRP प्रोटोकॉल के द्वारा हम लोग मल्टीपल राउटर्स पर रूट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं।